हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो बच्चा, अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.3। लेकिन डायरेक्टली चालू नहीं कर सकते, जैसे हमने देखा है 3.2 तक कवर हो गया ना। पहले क्या होता है हमारा बेसिक्स, फिर एक्सरसाइज, फिर कुछ बेसिक्स लगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करें। धीरे धीरे हमारा सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। एक जो ऑफलाइन में मैं कंटेंट देता हूँ, वही मैं आज ऑनलाइन में कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार, दिल से मेहनत कर रहा हूँ तो दिल से लाइक भी ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। तो चलो चालू करते हैं। थोड़ा सा ना जो तुम लोग को आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब हम लोग को तो कुछ नहीं आता, अरे कुछ नहीं आता वही वाला पार्ट लेके चलो। कम से कम ट्रिग्नोमेट्री टेबल इतने लेक्चर हो गए हमारे, 10-12 लेक्चर हो गए, तो इसका मतलब ये तो देखा ही है। 9 से ही चालू हो गया था बच्चा। देख, ये 0 पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, ये कुछ और नहीं है, रेडियन है। इसी को क्या बोलते हम लोग, देखो इसको क्या बोलते बच्चा, जरा सोचो। इसको बोलते 30 डिग्री, और इसको बोलते 45 डिग्री, और इसको बोलते 60 डिग्री, और इसको बोलते 90 डिग्री। बराबर है, याद लगता अपने को आता ही है। इतने लेक्चर में हमने यही किया है। तो बच्चा ये टेबल एक बार रिकैप कर लेते, थोड़ा स्पीड में बात करते, क्योंकि ये आता है। जो आता है उसके बारे में जल्दी जल्दी आंसर देना चाहिए। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं बोल सकते सर ये नहीं आता। बच्चा इतने सारे लेक्चर होगा, ये टेबल तो आता ही है। चलो फटाफट बात कर लो। हाँ, बोलने का, चलो आंसर देने की कोशिश करो। सर देखो, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर 1/2, 1/√2। चलो बोलो 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 मेरे साथ, बोलो √3/2, और ये 1 चलने का, मेरे साथ बोलने का, याद कराया हूँ मैंने। अब यहाँ पर तुम लोगों को बचपन में जैसे टीचर लोग पढ़ाते थे ना, उल्टा करके लिखना, लिखो चलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन आशीष सर, आपने तो थोड़ा अलग तरीके से सिखाया था। अब वही बात मैं वापस बोलूँगा तो वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बड़ा होता है और बड़ा बन जाएगा लेंथ, ठीक है। अच्छा, टेन डीटा का क्या होता है, 0, 1/√3, ये 1 को पकड़ के इधर बिठा दे, ये √3 को पकड़ के इधर बिठा दे, और इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। लेकिन हम लोग नॉट डिफाइंड नहीं लिखते, हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। एक्चुअली में वो नॉट डिफाइंड होता है, ये चीज़ याद रखना है सबको, ठीक है। नाउ, अब देखो, अब स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज तक तुम लोग ने क्या किया मालूम है? तुम लोग को जो भी टीचर क्वेश्चन पूछते थे ना, ऐसा पूछते थे, बता बच्चा साइन पाई बाय 6 क्या होगा, साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6। अच्छा ये याद है ना बच्चा, कैसे याद करना है? तुम लोग को सिखाता था, नहीं याद आ रहा है तो एक बार वापस 2 मिनट का रिकैप कर लो। क्या होता है, 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। बोलो याद रहेगा बच्चा, इसका आधा कर, 2π का आधा मतलब नीचे 2 लेकर आ जा, जैसे नीचे 2 लाया तो 2 कैंसिल मतलब पाए, और इसका आधा करेंगे तो 180 डिग्री, बराबर है। और एक आधा कर, और आधा करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 2, और इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और आधा करने की कोशिश करते, और आधा मतलब नीचे वाले को पास 2 भेजना, नीचे वाले को पास 2 भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, और पाई बाय 4 को हम लोग बोलते हैं 45 डिग्री, इसका भी आधा। अब इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर पाई बाय मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22.5, वो ज़रूरत नहीं है, इतना क्लियर रहेगा। और तुम लोग को याद कराया था, जब जब तुम्हारे लाइफ में पाई बाय 6 रहेगा, अगर नीचे 6 तो 30 डिग्री लिखने का, बोलो याद रहेगा बच्चा, और अगर नीचे 3 तो 60 डिग्री लिखने का। इससे याद करने का टेक्निक होता है, 2π, π/2, π/4, इतना समझ गया, पाई बाय 6, नीचे 6 तो 30 डिग्री, नीचे 3 है तो 60 डिग्री, सिंपल। बोलो याद, क्लियर हो गया बच्चा। नाउ अब इसको हटा देते, इसको हटा देते यहाँ पर, अगर स्क्रीनशॉट लेना रहेगा अभी लिख लो ना वीडियो पॉज करके। चलो, आज से टीचर लोग ने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी टीचर ने ऐसा बोला साइन पाई बाय सिक्स क्या होता है, साइन जानेगा और पाई बाय 6, देखो आंसर क्या आ रहा है, 1/2, क्या रहा आंसर, 1/2, यही होता ना, साइन में जाने का और पाई बाय 6 में जाने का क्या होता है, 1/2। अगर मैंने यही पूछा तुम लोग में से किसी बच्चे से कॉस पाई बाय 3 क्या होता है, या फिर पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 4, हाँ बच्चा पाई बाय 4, तो पहले कॉस में आने का और पाई बाय 4 में आने का, और क्या दिख रहा है, 1/√2। चलो ये भी आता है हम लोग को, अरे सर ये सब तो आता है हम लोग को, ठीक है ना बच्चा, मेरी जान मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुनने की कोशिश कर, मेरी बात सुनने की कोशिश कर। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स मतलब क्या होता है मालूम है बच्चा, ये देख इनवर्स ट्री को क्या होता है, ये चीज़ समझने का, ये साइन जो है ना उसको उस साइड भेजने का, मतलब इसके ऊपर पावर में -1 जैसा कुछ तो दिखेगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, साइन उस साइड जाएगा तो क्या होगा, देखो साइन उस साइड जाएगा तो लिखते कैसे, एक और क्वेश्चन लिख लेते, टैन, समझो मैंने यहाँ पर लिख दिया टैन, टैन 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 पाई बाय 3 क्या होगा, पाई बाय 3, तो तुम लोग क्या बोलोगे, पाई बाय 3, टेन पे आ जाओ पाई बाय 3 क्या आएगा, √3। अब देखो इनवर्स में लिखते कैसे, ये चीज़ याद रखना, अगर कभी किसी टीचर ने बोल दिया, देखो इनवर्स क्या होता है पहले समझो, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ उसके बाद बात करेंगे। साइन 1/2, मैंने साइन को उस साइड भेज दिया तो तुम लोग का आंसर क्या आएगा मालूम है,
पाई बाय सिक्स। बोलो याद रहेगा बच्चा? नहीं डाउट है, डाउट है, रुक मेरी बातों को सुन, मेरी बातों को सुन। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, टेन इनवर्स रूट थ्री। बच्चा सिर्फ चीजें समझ, इसको देख भी मत अभी फिलहाल के लिए, इसको देख मत। अब देखो मेरा लिखने का तरीका क्या है और सिखाने का तरीका क्या है, और बच्चे लोग को समझेगा। साइन इनवर्स है, ये उल्टा है। इनवर्स देखो, अभी तक टीचर लोग तुम लोग को एंगल के साथ बोलते थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक रहेगा तो बाजू में एंगल होता है, लेकिन जब साइन इनवर्स रहता है तो बाजू में एंगल नहीं वैल्यू होता है। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, बाजू में वैल्यू, साइन इनवर्स, और देखो ये वन बाय टू, वन बाय टू वैल्यू है तुम्हारे पास, वैल्यू है। तो अब तुम लोग को साइन इनवर्स और तुम लोग का आंसर क्या आएगा, एंगल में आएगा, मतलब पाई बाय सिक्स। मतलब जब तुम लोग को कोई इंसान इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलेगा ना, तो तुम्हारा आंसर एंगल में आना चाहिए, वैल्यू में नहीं, मतलब टेबल के ऊपर वाला आंसर आना चाहिए, समझ पा रहे? इनवर्स में, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर वाला, इनवर्स मतलब टेबल के बाहर वाला, मतलब ऊपर वाला। जरा इसका देखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू, कॉस है प्लीज वन बाय रूट टू दिख रहा है यहाँ पर, और तुम लोग आंसर क्या बोलोगे, पाई बाय फोर। बच्चा समझ पा रहे हो चीज़ें समझ पा रहे हो? टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बोलो, टेन इनवर्स, सर ये टेन है रूट थ्री है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पाई बाय थ्री। बस बच्चा यही है गेम, यही है चीज़ें समझना। मैंने क्या बोल दिया, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री, याद क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ग्रेट। अब तुम लोग है ना फटाफट एक काम करो, दो मिनट का टाइम लो, दो मिनट का टाइम लेना, ये जितने भी समय सबका आंसर मुझे चाहिए। दो मिनट का टाइम लेना बच्चा, दो मिनट का घड़ी देख के दो मिनट का टाइम लेना, ये सबका आंसर इसमें से देख के मुझे बताओ। चलो देखते हैं आंसर आएगा या नहीं आएगा, प्लीज दो मिनट का टाइम ले लो। तो एवरीवन कोशिश तो किया रहेगा, कुछ का आंसर नहीं आया रहेगा, है ना? जरा देखते हैं, जैसे देखो साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू, इसका बोलो साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू, तुम्हारा आंसर आ गया रहेगा पाई बाय थ्री। बराबर है बच्चा इसका आंसर? साइन इनवर्स ऑफ वन, वन का आंसर क्या आया रहेगा, पाई बाय टू। सर ये तो मेरा भी आया। साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू, अरे सर माइनस नहीं है, यही है ना सीन, माइनस तो नहीं है, ठीक है कोई तकलीफ नहीं, जो आता है उसका तो लिख साइन इनवर्स ऑफ जीरो। साइन इनवर्स ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो। साइन इनवर्स ऑफ, ये वापस हक दिया इसने, समझ पा रहे हो? किसी का आंसर आ रहा है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ, जो आ रहा हो तो कर भाई, जो आ रहा है वो तो कर। कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू, ये देखो कॉस इनवर्स क्या आएगा, पाई बाय सिक्स। कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय टू क्या आ रहा है, पाई बाय थ्री। ये देखिए अभी माइनस में तो दिख रहा ही नहीं है, कोई माइनस में तो दिख रहा ही नहीं है। ओके, टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, पाई बाय थ्री, मतलब किस किस का आंसर नहीं आ रहा हम लोग को, जरा सोचो बच्चा, किस किस का आंसर नहीं आ रहा मुझे। हाँ ग्रेट बच्चा, बहुत सही सोच रहा है, जहाँ पर अंदर वाला माल नेगेटिव में आएगा तो मुझे नहीं आ रहा है, समझ पा रहे ये चीज़ें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन माइंड में रखना, इसको डील कैसे करेंगे हम लोग सब सीखने वाले। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ गया कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा ना 3.3 में, जरा एक काम करो, मैं डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। देखो 3.3 में पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मेन मेजर पार्ट कौन से, तीन क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ऐसे ही कुछ दिखता रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा माइनस भी दिया है, यही है, समझ पा रहे हो? मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहला 3.3 में यही है। बच्चा एक चीज़ समझना, मैं उतना ही सिखा रहा हूँ जितना 3.3 में मुझे लगने वाला है। एक्चुअली में तुम लोगों को मालूम है ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ तो लिखा है, इसके बारे में मैं भी बात करूँगा, थोड़ा सब्र रखना। चलो स्टार्ट करेंगे, ये समझ गया बच्चा? चलो अब देखते हैं। देख बच्चा ये जो अंदर वाला माल है ना, देख यहाँ पर ये जो अंदर वाला माल है इसको डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। और ये जो बाहर वाला माल है मतलब इसका आंसर जो आएगा इसको रेंज बोलते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार वापस कोशिश करो, मैंने क्या बोला, जो अंदर वाला माल है साइन इनवर्स के अंदर वाले माल को क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो आंसर आ रहा है उसको बोलते हैं रेंज। मतलब इनवर्स में जो रेंज आता है वो एक एंगल होता है, और जो डोमेन होता है वो एक वैल्यू होता है, वैल्यू समझ रहा है, टेबल के अंदर वाला माल। मेरी बातों को समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ मैं। जरा बोलो यहाँ पर ये अंदर वाले को क्या बोलते हैं, अंदर, चलो अंदर वाले को क्या बोलते हैं, कॉस इनवर्स के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डोमेन। और बाहर वाले का जो भी आंसर मिलेगा इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा हम लोग, रेंज। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, बोल दो येस और नो, ग्रेट। अब यहाँ पर है ना तुम लोग पे एक कंडीशन डाल दिया, कंडीशन डालना मतलब तुम लोग को बोला कुछ भी मत लेके चलना। जरा इस टेबल को देखो, साइन का वैल्यू देखते, ये ना डोमेन। जरा देखते साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या लिख सकते हो,
जीरो लिख सकता हूँ, वन बाय टू लिख सकता हूँ, वन बाय रूट टू लिख सकता हूँ, रूट थ्री बाय टू लिख सकता हूँ, वन लिख सकता हूँ। वही से ही तुम लोग माइनस में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने माइनस में लिखा तो जीरो, माइनस वन बाय टू लिख सकता हूँ, माइनस वन बाय रूट टू लिख सकता हूँ, माइनस रूट थ्री बाय टू लिख सकता हूँ, माइनस वन लिख सकता हूँ। इसका मतलब साइन का वैल्यू देखो, साइन का वैल्यू जीरो, क्या लिखा जीरो के बाद क्या लिखा बच्चा बोलो, वन बाय टू ग्रेट, और यहाँ पर क्या आएगा वन बाय टू के बाद वन बाय रूट टू, और ये क्या आएगा रूट थ्री बाय टू, और ये क्या आ रहा है वन। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब इसका औकात वन का आंकड़ा पारी नहीं कर रहा है साइन। बोलो यहाँ पर भी सेम, समझो माइनस आएगा, अरे माइनस भी तो आता है क्योंकि तुम लोग को याद आ रहा रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, समझ पा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव था, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद आ रहा बच्चा तुम लोगों को, यस और नो, ग्रेट। तो यहाँ पर सुनो, ऐसे करते करते यहाँ पर इसकी औकात कहाँ तक जाएगी, माइनस वन। इसका मतलब अंदर तुम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा टू थ्री फोर नहीं लिख सकते, इसके अंदर तुम लोग को लिखने के लिए भी एक कंडीशन है, डोमेन भी एक औकात के अंदर ही होना चाहिए, डोमेन भी औकात के अंदर होना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो आएगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू वन, सबसे लोएस्ट वैल्यू माइनस वन, वन भी चलेगा माइनस वन भी चलेगा। अरे समझ पा रहे बच्चा, अरे हाँ है ना, इसके अंदर देखने का तेरी औकात क्या है, सबसे हाईएस्ट तेरा वन है तो नेगेटिव में तेरा सबसे हाईएस्ट औकात क्या रहेगा, माइनस वन। समझ पा रहे हो, देखो ना, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया साइन इनवर्स ऑफ टू क्या आएगा तो तुम लोग मुझे गाली दोगे, सर इसकी औकात ही वन तो लगे, वन का पार नहीं कर रहा तो इसका आंसर तो आएगा नहीं। समझ पा रहे हो, तो डोमेन समझ पा रहे हो, धीरे धीरे समझ पा रहे हो बच्चा, बोल हाँ या ना, प्यार से मोहब्बत से तो बोल। चल ठीक है, मुझे मालूम है तूने ग्यारहवीं में कितना पढ़ा है, एक टीचर हूँ मुझे मालूम है मेरे बच्चे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कितने पढ़ते हैं कितने नहीं। एक बार एक चैप्टर होता ना तो उसको भूल जाते, ये हमारी आदत है, परंपरा ही हमारी। चलो यहाँ पर, चलो ये तो क्लियर हो गया। वैसे देखो कॉस इनवर्स का वैल्यू जीरो से वन, सबसे कम वैल्यू इसका जीरो है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है वन। प्लीज इसको सॉल्व करोगे ना बच्चा तो 0.73 मतलब 0. समथिंग ही मिलेगा। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है जीरो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है वन। उसी तरह नेगेटिव में क्या रहेगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में सबसे हाईएस्ट वैल्यू वन, नेगेटिव में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगा माइनस वन। इसके औकात के बाहर मत जा, इसके औकात के बाहर मत जा। बोलो ये समझ पा रहे हो, अरे बोल दे प्यार मोहब्बत से, ये सुनो। तो इसका मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये कि साइन इनवर्स के अंदर जो अंदर माल आने वाला है, समझो अंदर मैंने x लिख दिया, क्या लिख दिया x, तो अंदर x का औकात क्या होना चाहिए, x का औकात बोलो माइनस वन से वन के बीच में, इसी को डोमेन बोलते हैं। बोलो याद रहेगा, समझो, अरे बोल दे हाँ या ना, याद रहेगा जो इसके अंदर का माल है ना उसको डोमेन बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। उसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ x में x का वैल्यू जो रहेगा ना, x का वैल्यू ये समझा करो, इसका मतलब क्या होता है माइनस और वन के बीच में। बोलो ये समझा, अरे हाँ है ना, ये चीज क्लियर हो पा रहा है मेरा बोलने का मतलब, समझ पा रहे हो बच्चा, यस और नो। यहाँ पर तो क्लियर हुआ, अरे हाँ या ना तो बोल बोल, ग्रेट। यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ एक्स में देखते क्या आएगा, सबसे कम वैल्यू क्या जीरो, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या इन्फिनिटी। अरे मतलब इसने एक का आंकड़ा पार कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी लिख सकते। हाँ देखो उसने ही बोला है एक्स का वैल्यू, देख तेरी औकात क्या है, जीरो से चालू होकर कहां तक जाएगा इन्फिनिटी, तो यहां पर कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसने सब कुछ कवर कर लिया है, दुनिया में जितने नंबर है सब कुछ कवर कर लिया है। अरे रुक मेरी जान, मेरी बात तो सुन, सब कुछ कवर मतलब रियल नंबर कवर किया है, यहाँ पर आई वगैरह क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या नहीं, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी चलेगा, और उस कुछ भी को हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू आर, मतलब कुछ भी चलेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी चलेगा, आर लिखा है, आर मतलब ये मत बोल देना 2+3i, अरे ये भी एक नंबर होता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ये नहीं चलेगा, रियल नंबर चलेगा। मेरे हिसाब से मेरा हर एक बच्चा समझ गया है कि डोमेन क्या होगा। बोलो ये समझा, अरे यार देख ले मेरी जान, इतना नहीं मालूम पड़ेगा तुम लोग को, वन एक्स इसका वैल्यू बोल माइनस वन से वन, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ भी चलेगा। बोलो ये समझ पा रहे हो, अरे हाँ या ना, ओके ग्रेट, समझा बच्चा ये समझा, ओके ग्रेट, हटा दो इसको। अरे सर आज थोड़ा इंटरेस्ट लगा मैथ्स में इंटरेस्ट लगा, भले ही वीडियो का लेंथ बढ़ा जाएगा लेकिन मैं कसम खाता हूँ इस वीडियो को पूरा देखूंगा, प्रॉमिस तो कर ले। अरे बोल, हाथ तो रख, चल ग्रेट। यहाँ पर चलो रेंज क्या सिखाया सर, इसका आंसर जो आता उसको रेंज बोलते, इसका आंसर जो आता उसको रेंज बोलते, ठीक है ना। अरे क्या ही जाता है, अपने को आ जाएगा रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब क्या होता मालूम है, जो एंगल आएगा, अरे एंगल तो क्या आएगा, जीरो से पाई बाय टू, तो इसका मतलब वहां पर क्या आएगा माइनस पाई बाय टू। अरे बरोबर, ऐसे कुछ सीख रहे हो तुम लोग, हाँ लेकिन बच्चा ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, मैं तुम लोग को फिलहाल के लिए बोलूंगा इसको थोड़ा रटने की कोशिश करो। हाँ ये रट्टा मारने बोल दिया,
अरे नहीं मेरी जान, मेरी बात तो सुन, मैंने यहाँ पर कुछ तो लिखा है, फॉर डिटेल डिस्कशन ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो डिस्क्रिप्शन में आ जाओ बॉस, सिखा दूंगा। सिखाई कि नहीं, ट्रेंडिंग में चल रहा है, वही वाला बोल रहा हूँ, आ जाओ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। क्या होगा मालूम है, पहले मेरा वीडियो का लेंथ बड़ा बनता है, बच्चे लोग गाली देते हैं मेरे को मन में ही, तो अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा ना, अरे कोई भी टीचर लोग एक वीडियो में ये सब नहीं सिखाते। देख लो, कोई भी महाराष्ट्र का टॉपर जो भी टॉप टीचर लोग है ना, देखने का ये सब नहीं बोलेंगे, उन लोग बोलेंगे जाओ बेसिक वीडियो में देखो ये सब, वहाँ पर भी नहीं सिखा, इसके पीछे का वजह क्या है मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन अगर तुम लोगों को मन नहीं कर रहा है अभी फिलहाल के लिए तो सबर रखो, मैं बताता हूँ। इतना तो मालूम पड़ गया, रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू, और रेंज में क्या आता है, एक एंगल आता है, और एंगल क्या चलेगा ये समझो। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, -π/2 मतलब -90° से 90° के बीच में। सर ये कैसे आया, ये देखो, अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, तो मतलब इसका आंसर जो भी आएगा -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। किसके बीच में? -90° से 90° के बीच में। गलती से भी 100° में आंसर आना नहीं चाहिए, एंगल तो बहुत सारे, तो सब बोलेगा। अरे समझ पा रहे हो, एक ने किसी ने आंसर बता दिया 30°, एक ने बोल दिया नहीं 120°, ऐसा नहीं चलेगा, एक ही आंसर आना चाहिए। समझ पा रहे हो ये चीज़, अरे हाँ है ना बच्चा, बच्चा याद कर, इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, याद रखना, प्रिंसिपल वैल्यू इसको बोलते हैं, रेंज को यहाँ पर 3.3 में। लेकिन प्लीज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोलना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अलग होता है बॉस, 0 से 2π, थीटा का वैल्यू 0 से 2π, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू, एक बार वापस 3.1 में प्रिंसिपल सॉल्यूशन सीखा था, जहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 से 2π, ये भी थीटा ही दे रहा है, लेकिन ये इनवर्स में दे रहा है, इनवर्स वाला थीटा, तो इसमें बोलने का भाई इनवर्स में ये क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वहाँ पर, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा इसका भी औकात देखो, यहाँ पर देखो सर, एक डाउट है छोटा सा, मेरी जान पूछ तो सर, एक छोटा सा डाउट है, क्लियर करोगे? इधर आपने चौकोंडी बनाया, इधर राउंड बनाया, देख मेरी जान, मेरी बात तो सुन, अपना बेसिक थोड़ा लोचा, लेकिन तेरा असली सर तेरे साथ है। देख अगर कभी किसी टीचर ने 2,10 बोल दिया ना ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या होता मालूम है, इसका देखो ऐसा लिखा, x बिलोंग्स टू, अरे ठीक है ना, अभी मैं तो सिखाने की कोशिश कर, इसका मतलब x का वैल्यू 2 और 10 के बीच में, 2 भी चलेगा 10 भी चलेगा, अरे बोलो हाँ ना, 2 भी चलेगा 10 भी चलेगा, अरे समझ पा रहे हो ये चीज़। अभी देखो किसी टीचर ने ऐसा लिखा यहाँ पर, बोलो, इसका मतलब क्या था, x का वैल्यू 2 से 10 के बीच में, 2 नहीं चलेगा 10 नहीं चलेगा, अरे बोल सही है रे, यहाँ पर x का वैल्यू क्या बोलोगे, 2 से 10 के बीच में, अरे बोल रही मेरी जान सही है, चलो यहाँ पर 2 से 10 के बीच में, अरे बोलो हाँ या ना, 2 से 2 का वैल्यू, इसको क्लोज बोलते, क्लोज इंटरवल, क्या बोलने का, क्लोज इंटरवल, इसको बोलने का ओपन इंटरवल, इसका मतलब x का वैल्यू देखो लिखता हूँ, x का वैल्यू 2 से बड़ा 10 से छोटा, 2 भी चलेगा 10 भी चलेगा, इक्वल। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू 2 से 10 के बीच में, 2 नहीं चलेगा 10 नहीं चलेगा। अच्छा इसका बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, हाँ सही सोच रहे हो, सोचो, अरे पहली बार तो तू सोचने की कोशिश कर रहा है, सोच तो बोल, गलत तो गलत, सोच, 2 से 10 के बीच में, हाँ 2 नहीं चलेगा 10 चलेगा, इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोलते हैं, समझ पा रहे हो बच्चा? और ये एक और आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 10, तो सोचो अभी क्या होएगा यहाँ पर, बोलो इसका मतलब क्या होएगा, 2 चलेगा 2 चलेगा 10 नहीं चलेगा, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? इसको भी सेमी ओपन या तो सेमी क्लोज बोलो। तो एक बार बात कर लेते, हम लोग ने ये चीज़ समझा, क्लोज इंटरवल ये सब क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर बच्चा? अब यहाँ पर देखो एक बार वापस, अपने को ये याद नहीं रखना, अपने को ये याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का औकात क्या है, -π/2 से π/2, इसका मतलब -π/2 चलेगा और π/2 भी चलेगा, और इसका 0 से π, और इसका क्या बोलेंगे, -π/2 से π/2, -π/2 नहीं चलेगा, देखो ये ओपन है, इसका मतलब -90 से 90, लेकिन -90 नहीं चलेगा और +90 तो हरगिज नहीं चलेगा, समझ पा रहे ये चीज़ें? चलो अब यहाँ पर, लेकिन देखो माइंड में क्वेश्चन आया, आप जितने भी सम कराते रहो,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, आपने कभी है ना दूसरे तीन के बारे में बात नहीं किया है, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर, अगर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स आया तो क्या, ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि सर आप जब भी देखता हो ना, मैं आप ऊपर का तीन के ही बात करता हूँ, मैं ऑफलाइन लेक्चर में भी मतलब यहाँ पर इसलिए बोलता हूँ ताकि बच्चे लोग कम सोचें। क्यों सोचे कम? क्योंकि दिमाग है कम। यहाँ पर आगे बात करते, ज़्यादा सोचने का नहीं, जो चीज़ सोचना है उसके बारे में सोचो। अभी इसके बारे में क्यों सोचना है, इतना सारा याद करना है? जहाँ पर छः याद करना पड़ता है, तीन याद करो 50%, बाकी तीन बना देंगे जगह पे ऑन द स्पॉट। समझ पा रहे हो ये चीज़? इसलिए वैसे तो बना सकते हो, कोई हरगिज कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बच्चा देख, अगर तेरी लाइफ में कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को पैदा करना रहेगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना, पता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन इनवर्स। देखो मतलब मेरा बोलने का मतलब समझ लो, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा था, ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल याद आ रहा है किसी बच्चे को? रेसिप्रोकल मतलब देखो, साइन और पहला लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, मतलब साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1/cosec θ लिख सकते थे, याद आ रहा है बच्चा? या फिर कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, कोसेक थीटा को 1/sin θ लिख सकते थे, याद आ रहा बच्चा? पहला लास्ट, लास्ट पहला, वैसे सेकंड कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, 1/sec θ, मतलब देखो दोनों के बीच में इक्वल है, मतलब कॉस थीटा बोल या 1/sec θ बोल, समझ पा रहे हो? वैसे अगर सेक थीटा लिखना रहेगा तो 1/cos θ, चलो और एक टेन थीटा लिखना रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1/cot θ, और कॉट थीटा लिखना रहता तो 1/tan θ, बोलो याद आ रहा बच्चा? मतलब अगर किसी बच्चे ने मुझसे बोल दिया कि सर कोसेक 45 क्या होगा, कोसेक 45, तो मुझे सर आपने टेबल तो सिखाया नहीं कोसेक 45, तो हम कैसे बात करेंगे? देखो 1/1/sin 45, दोनों का मीनिंग इक्वल होता है, देखो इक्वल टू लिखा है, तो यहाँ पर मैं साइन 45 देखूंगा, साइन 45 क्या है, साइन 45 मतलब यहाँ पर 1/√2, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा √2। अरे समझ पा रहे हो कैसे मैंने बात किया? अरे बच्चा हाँ या ना, समझो, एक काम करो, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, मुझे बताओ सेक 30 डिग्री क्या होगा, सेक 30 डिग्री क्या होगा, सोचो। हाँ ग्रेट, 1/cos θ, अरे यार सीख गया ना मेरी जान तू, cos θ क्या, देखो cos θ तो आता है अपने को, cos θ √3/2, तो √3/2, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 2/√3, अरे समझ पा रहे हो या नहीं? ये सब छोटा मोटा आइटम अपने को याद होना चाहिए, क्लियर हो पा रहा है ये चीज? तो सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हमारा टॉपिक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, तू जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स में रेसिप्रोकल कैसे आएगा, इनवर्स में रेसिप्रोकल, देखो इनवर्स में रेसिप्रोकल बहुत ही आसान होता है, बहुत मतलब बहुत। अगर कभी किसी बच्चे ने बोल दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये दिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रेसिप्रोकल प्लीज ऐसा नहीं बोलना, 1/cosec θ, ये तो नहीं बोलना। देखो मैं हर हमेशा लिखने की कोशिश करता हूँ और कट करता हूँ ताकि बच्चे लोग भी लिखे और कट करें, क्योंकि जो बच्चा नॉर्मली रहेगा ना वो यही सोचता है, जबकि गलत है बच्चा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लिखना है ना अगर रेसिप्रोकल में, तो कैसे लिखने वाला हूँ, साइन इनवर्स को डायरेक्टली लिखने का कोसेक, अच्छा मेरे अब थोड़ा बारिश का मौसम है ना, थोड़ा आवाज़ खराब होगा, समझ लो ये माइक इतना अच्छा नहीं है कि भाई बैकग्राउंड नॉइज एलिमिनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा टॉलरेट कर सकते अपने बच्चे लोग है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका जब रेसिप्रोकल करना रहेगा बेधड़क कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिखने का, बोलो याद रहेगा? और ये जो अंदर रहता है ना इसका रेसिप्रोकल करने का, अंदर क्या दिख रहा है एक्स, इसको लिखने का 1/x, बोलो याद रहेगा सबको? यस और बच्चा, यहाँ पर वैसी बोलो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिखना है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इसका उल्टा करना है, तो क्या लिखने का, साइन इनवर्स लिखने का और अंदर वाले माल का 1/x लिखने का। इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं, मतलब सर थोड़ा और बताओगे? हाँ रुक, अगर मैंने लिखा टेन इनवर्स ऑफ x/y लिख दिया, x/y, चलो इसका रेसिप्रोकल बताने की कोशिश करो, सही है, टेन का क्या होता है कॉट, ना 1 नहीं लिखने का, कॉट इनवर्स लिखने का, अंदर जो दिखता है उसका उल्टा, x/y को क्या लिखोगे, y/x, समझ पा रहे हो? और बहुत सारे समझो, खुद से बना लो, जैसे मैंने लिख लिया sec इनवर्स ऑफ y/x लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स, मुझे sec इनवर्स पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स, क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स, y/x को क्या लिखूंगा, x/y, बोलो याद है, क्लियर हो जाएगा बच्चा, क्लियर हो गया ये, याद क्लियर है ये, देखो मैंने क्या लिखा, ये चीज़ समझो, किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए ये चीज़ याद रखना, ठीक है? यहाँ पर मतलब सर इनवर्स में रेसिप्रोकल आप ये बोल रहे हो ना, साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स लिखने का, अंदर वाले माल का रेसिप्रोकल करने का, अंदर वाले माल का रेसिप्रोकल करने का, समझ पा रहे हो ये चीज़ है? जैसे यहाँ पर अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बच्चा, अच्छा मैं हट जाता हूँ, हाँ ग्रेट, चलो 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 हटा दो। अभी देखो
एक यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग को समझना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना नोट्स बनाने का अच्छे से, हाँ क्या ये आदत मत डालो स्क्रीनशॉट का, वीडियो पॉज करके लिखने की कोशिश करने का हमेशा, ठीक है, भले टाइम लगेगा लेकिन लिखने का ज़रूर। देखो अगर किसी टीचर ने मुझे ये बोल दिया कोसेक इनवर्स ऑफ रूट टू क्या होएगा, अरे बाप रे कोसेक इनवर्स ऑफ रूट टू नहीं आता तो क्या करेंगे, अरे कोसेक इनवर्स ऑफ रूट टू इज सेम एज किसके जैसा बोलो, इज सेम एज व्हाट, क्या लिखेंगे बोलो, जरा सोचो, कोसेक इनवर्स रूट टू है ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेम सेम मतलब इक्वल टू, चलो इक्वल टू दे देता हूँ इस वक्त, मैं इक्वल टू दे देता हूँ, ये पूछा है ये नहीं आता मुझे क्योंकि आप, अच्छा इनवर्स पूछा है मतलब एंगल में आंसर देने, अरे है ही नहीं तो भाई मेरी जान कैसे लिखने का बोलो, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स रूट टू नहीं आता तो क्या लिखोगे मालूम है ना तुम लोग, इसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स और अंदर वाला मान रूट टू, तो इसका वन अपॉन रूट टू और वन अपॉन रूट टू, देखो साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट टू 45 डिग्री, अरे समझ पा रहे हो ये चीज़, ऐसा करना है सॉल्व, समझा ये चीज़ कैसा करोगे, किसी को दिक्कत तो दूसरा कुछ आएगा तो ऐसा बात करना चाहिए, ठीक है ना, ये इसको रफ कर दूं मैं, चलो यहाँ पर बच्चा अभी ना कुछ चीज़ें लगने वाला है मुझे कुछ चीज़ें लगने वाला है यहाँ पर, अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, अरे सर आता है मुझे, क्या लिखते मालूम है इसका, कॉस पाई माइनस थीटा, जरा सोच इसी में सिर्फ इतना याद रखना है, कॉस पाई माइनस थीटा जितना दूंगा सिर्फ उतना खाओ, अगर डिटेल में खाना है तो आ जाओ बहुत सिखा दूंगा, डायलॉग याद रहेगा अपना, हाँ चलो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता मालूम है, कॉस का कॉस लिखते थीटा का थीटा लिखते, पाई माइनस मतलब क्या होता है, ये पाया होता पाई माइनस मतलब इधर सेकेंड क्वार्टर में, कॉस क्या होता है नेगेटिव, याद रखना बच्चा याद रखना है माइनस कॉस थीटा को क्या लिखना है। अच्छा और एक चीज़ है साइन ऑफ माइनस थीटा, याद रहा बच्चा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन चैप्टर में साइन के अंदर माइनस रहता तो ये माइनस साइन थीटा होता है, और एक आता है टेन ऑफ माइनस थीटा, सर ये क्यों सिखा रहे हो मैं बताऊँगा अभी रुक, थोड़ा वेट करो देखो पढ़ते हम लोग ऐसा है लिखते हम लोग ऐसा है ये याद रखना, माइनस साइन मियाँ खलीफा को क्या लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट में माइनस साइन मियाँ खलीफा, याद रखना ये चीज़ काम आएगा, याद आएगा काम आने वाला, ये चीज़ याद रख लो, बस इतना बेसिक्स आ गया ना, देखो बेसिक्स में कितना चाहिए मैं बताता हूँ एक बार वापस, 3.3 के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए कितना चाहिए वो बताता हूँ, एक ये टेबल जो पहली सी आता है, एक ये टेबल जिसमें से ये नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये चाहिए, और एक ये टेबल बस, और कुछ नहीं चाहिए, और वो रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल में भी क्या चाहिए मालूम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ना, तो कॉट इनवर्स को क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, चलो बताओ फटाफट, टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स, अभी जब मैं सम करूंगा तो मालूम पड़ेगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ अंदर का माल का रेसिप्रोकल, और क्या है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स, प्लीज कोई तकलीफ मत करो, ये सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है, अभी तुम लोग बोलेंगे अरे सर इतना सारा, अरे बच्चा 30-40 प्रॉपर्टी है, तुम लोग जाना डिस्क्रिप्शन में देखना कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला बनाया हूँ, बताया हूँ मैंने, अभी सिर्फ मैं 3.3 में जितना खाने का है, ये टेबल तो बचपन का पैर, हटाओ इसको, बचपन का पैर कभी मिलता नहीं है किसी को, तो ये मिल जाएगा, ये याद हो जाएगा, ये साइन ऑफ माइनस थीटा देखो साइन उल्टी कर देता है, टेन भी उल्टी कर देता है, इतना याद रखना, ये देखो ये क्या होता है मालूम है, कॉस पाई माइनस थीटा, इसमें यही लगने वाला है और ये लगने वाला है, 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है, याद करने के बाद ही वीडियो को प्रोसीड करना प्लीज। सो गाइस अब देखो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ सोचो कि ये सब पता है या नहीं पता है अपने को, मैंने एक साथ बाजू में लिख दिया है, टेबल बना के रखा है, रेसिप्रोकल क्या होता है, जब सम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा को क्या लिखना है, माइनस कॉस थीटा को क्या लिखना है, माइनस टेन थीटा को क्या लिखना है, बच्चा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा, ये चीज़ समझना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बोले ये समझा, इस पूरे का आंसर जो भी आएगा माइनस पाई बाय टू के बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आना चाहिए, कॉस इनवर्स का भी जीरो से पाए और टेन इनवर्स का माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन है और ये क्लोज है, तो बच्चा इसके बारे में बता दिया, अगर डिटेल में सीखना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, लेकिन लेट इट भी अपने को पहले इतना पार्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है एक बार पूछो अपने आप से, हाँ ग्रेट, टेबल आता है, रेसिप्रोकल का फंडा समझ गया, कॉट इनवर्स का डायरेक्टली टेन इनवर्स करने का, अंदर वाले माल का रेसिप्रोकल और माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सब चीज़ें याद रखना, इसके अलावा कुछ याद मत रखो तुम लोग फिलहाल के लिए, चलो देखते हैं, ये बच्चे इसका आंसर बोल देना डायरेक्टली, आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स, अरे सर आता है मुझे साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, देखो क्या आएगा पाई बाय सिक्स,
बहुत सही है बच्चा, लेकिन ऐसा लिखना सही नहीं है, इस वक्त सही नहीं है। अगर हम लोग एंट्रांस वगैरह दे रहे हैं, एमसीक्यूज वगैरह, तो डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये लोग चाहते हैं सामने वाला प्रिंसिपल वैल्यू। थोड़ा निबंध तरह लिखा करो, निबंध समझता है। अभी देखो जब मैं गंदगी लिखूंगा तुम लोगों ने, अरे सर डायरेक्टली आंसर आ गया ना, 5/6 क्यों ऐसा गंदगी कर रहे हो। बच्चा सुन तो मेरी जान, मेरी बातों को सुना कर। यहाँ पर अपने को आ गया आंसर 5/6, खत्म हो गया। देखो ना साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 5/6 खत्म हो गया आंसर। लेकिन लिखने का अप्रोच समझो, कैसे लिखना ये चीज़ समझो, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना, एक्टिंग करना है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर तो जो भी आंसर आएगा, लेट देखो लिखने का ऐसे, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लिया इसको, पूरे को मान लिया एक्स। अच्छा मुझे बताओ अब एक्स क्या आना चाहिए, इसका आंसर एक्स है ना, तो एक्स किसके बीच में आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। अरे समझ पा रहे बच्चा क्या लिखा गया है, इसको आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर, इसका मतलब इसका आंसर, दोनों इक्वल है, हम लोग ने मान लिया इसका आंसर समझ लो एक्स आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा ना -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना चाहिए, सोचो साइन इनवर्स उस साइड जाएगा, देखो साइन इनवर्स 1/2 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, साइन एक्स, मतलब 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स, डेट इज अच्छे से लिखो साइन एक्स इज इक्वल टू वॉट 1/2। तो हम लोग ये बीच वाले स्टेप को स्किप करते, डायरेक्टली बोलेंगे साइन इनवर्स उससे जगह तो क्या होगा, साइन एक्स 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1/2। अब देखो स्टेप्स देखना क्या रहेगा, हमेशा हमेशा 1/2 टेबल से निकालो। टेबल में है क्या 1/2, देखो टेबल में 1/2 है क्या, टेबल में 1/2 है साइन का, हाँ साइन का, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बड़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ, साइन एक्स इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, टेबल, टेबल तो साइन पाई बाय सिक्स, क्या लिखोगे साइन पाई बाय सिक्स, याद रहेगा बच्चा। अब मुझे ये बता दो साइन पाई बाय सिक्स, प्लीज कंपेयरिंग करके एक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, ऐसा थोड़ा फील आ रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला, लेकिन यार उसको अलग ही रखो ठीक है ना। अब लिखने का थोड़ा एक्टिंग करने का, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, अच्छा चलेगा ब्रांच वैल्यू, अपन प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे चलेगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज, क्या लिखेंगे बोलो, -π/2 से π/2, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, -π/2 से π/2 होना चाहिए, बराबर है बच्चा, मतलब -90 से 90 होना चाहिए। देयरफॉर अब कंपेयर करके लिखो, एक्टिंग करने का π/6, वेयर वेयर π/6 जो भी है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, क्या देखो अपना रेंज क्या है, -90 से 90, 30 डिग्री क्या इसके बीच में गिर रहा है, हाँ, तो वेयर क्या लिखने का, π/6 जो है सर -π/2 से π/2 के बीच में है, इक्वल टू मत लिख देना सर, इधर तो इक्वल टू लिखा, अरे इसका मतलब ये बीच में है ना, इक्वल टू लिख देगा इसका मतलब 30 डिग्री तेरा 90 के इक्वल हो जाएगा, समझ पा रहे हो ये चीज़, तो इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग में से किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं इक्वल लिखना चाहता हूँ तो लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, चीज़ें समझ पा रहे हो, मतलब जो भी आंसर आ रहा है। देयरफॉर मिल गया एक्स का वैल्यू, देयरफॉर खत्म करो, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ऐसे लिखना है साइन इनवर्स ऑफ, देखो जो चीज़ तुम लोग ओरली निकाल सकते हो इज क्या लिखोगे π/6। बच्चा चीज़ें समझो, जो चीज़ हम लोग ओरली निकाल सकते हो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा, ऐसे ही बच्चे लोग अपने बच्चे लोग तो देख के बता सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2, अभी तक इतना ही तो भोका है मैंने, आधा घंटा होने आ गया लगभग, बराबर है, आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा बेसिक्स दिए और आधे घंटे में तुम लोग को मालूम पड़ गया, डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन लिखना कैसे ये चीज़ याद रखना, साइन इनवर्स 1/2 को एक्स मानोगे तो ये उससे जाएगा तो क्या होगा साइन एक्स, मतलब 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन लिखने का ऐसा, हमेशा टेबल से निकालो, टेबल से वैल्यू निकालो, हमेशा टेबल से, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा। रुको और कुछ है इसके जैसा है क्या, इसके जैसा तो नहीं है, लेकिन चलो इसका एक काम करो, वीडियो पॉज करके लिखो, लिख लिया बच्चा, देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट ही मारोगे मुझे मालूम है, तुम लोग साले गधे लोग। अभी यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो, कोसेक इनवर्स, सेकेंड वाला क्या लिखा, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। अच्छा लेकिन बच्चा कोसेक इनवर्स का तो मैंने तुम लोग को सिखाया नहीं, तो तुम लोग याद करो कोसेक इनवर्स को क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स को साइन इनवर्स ऑफ अंदर का माल, देखो इक्वल टू है तो लिखने का, बोलो सॉल्यूशन देखो क्या लिखो, कोसेक इनवर्स 2 इज सेम एज, याद आया बच्चा, इज सेम एज कोसेक इनवर्स का क्या लिख सकते हो, सेम एज मतलब इक्वल टू लिखना चाहता हूँ, साइन इनवर्स बच्चा इसी लिखना पड़ेगा, लेंदी क्या करो, या तो टेबल देखो आगे बना दो, तो उसे डायरेक्टली बता दो, डायरेक्टली बता सकते सर, बच्चा इस वक्त तो नहीं बता सकते, हम लोग को बोला गया है कि तुम लोग ऐसा सिस्टमेटिक सीखो, उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लिखना, लेकिन इस वक्त तुम लोग को ऐसा निबंध में लिखना है, ये जरूरी है, नेसेसरी बच्चा, ये चीज़ याद रखना ठीक है। अच्छा साइन इनवर्स देखो, साइन इनवर्स लिख दिया, कोसेक इनवर्स साइन अंदर का माल का रेसिप्रोकल, ये 2 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2, बोलो ये समझा, तो मतलब इसको फाइंड आउट करो या इसको फाइंड आउट करो, बात तो सेम ही है,
आंसर को रेसिप्रोकल मत करना क्योंकि तुम लोग ने क्या लिखा है सेम, तो अब क्या लिखेंगे बोलो। हाँ बोलो बच्चा क्या लिखोगे, लेट, हाँ बोलो क्या लिखोगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू व्हाट x, साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो साइन x, मतलब साइन x इज इक्वल टू व्हाट 1/2। और ये क्या, अरे बच्चा दोनों सेम सम है, जरा देख तो मेरी जान, यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रहे हो, साइन इनवर्स ऑफ हाफ लिखा था इसको, ये नहीं आता तो मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, फाइनल इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये हटा दो, ये हटा दो, देखो दिख रहा है ये सबको, यहाँ पर फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, ये हटा दोगे, बोलो ये सब समझा था, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, हाँ इसी का निकालने का। अब फाइनल आंसर में वही लिखोगे जो क्वेश्चन में था, कोसेक इनवर्स ऑफ 2, समझ पा रहे बच्चा, ऐसा लिखना इस 5/6। मेरे हिसाब से क्लियर हो पा रहा क्या क्या, थोड़ा स्पीड अगर ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा पीछे एक बार वापस जाके देखो। करना क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको एक्स मानना है, एक्स मानने के बाद साइन को उधर भेजो, टेबल से वैल्यू निकालो, कंपेयर करो, बस चिपका देने का, हमेशा यही करना, हमेशा यही करना है। रुक जा, सबर रख, मैं बात करूंगा आगे, ठीक है। चलो एक काम करते, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 10 inverse of -1, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, चलो हटाओ 10 inverse of -1, चलो हटा दूँ। हे भगवान मेरे बच्चों को अकल दे। 10 inverse of -1 थर्ड वाला क्या लिखा है, 10 inverse of -1 क्या करना है, देखो यही तो बात है, आप बताओ इसमें से डायरेक्टली बताओ, माइनस वन नहीं है, अरे समझ पा रहे हो ये चीज़, अरे सर माइनस है तो -5/4 लिखते ना, तेरा तुक्का लग जाएगा, लेकिन हर बार नहीं। चलो देख बच्चा क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या करना सिखाया तुमको बता, लेट जो भी लेगा 10 inverse of -1 उसको क्या लिख दोगे, x लिख दोगे, बोलो याद रहेगा सबको बच्चा। अब 10 वाले को उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, 10x, मतलब देयरफॉर बोलो -1 = 10x, तो हम लोग लिखेंगे 10x = -1। ये तो सेम अप्रोच कराऊंगा, टेबल से वैल्यू निकाल, टेबल से -1 टेबल में नहीं, टेबल से वैल्यू, टेबल से बोलो क्या आएगा, 10x = -10, देखो 10 का ये क्या है, 10 pi/4 बच्चा दिख रहा है सबको, यस और नो, लेकिन इधर माइनस है, मैं एक्स को कंपेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि इधर माइनस है। बच्चा देख कंपेयर कैसे कर सकता है, तो ये बोल सकता है x = π/4, अरे बच्चा इधर भी माइनस होता तो बोलता है x = इधर एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो आप जानेगा इस वाले में डेटा में जानेगा, देखो -10 डेटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 of -θ, तो लिखने का 10 of, समझ पा रहे हो, -10 मियाँ खलीफा को क्या लिख सकते हो, 10 (−Mia Khalifa), अब देखो तुम लोगों को दिमाग लग गया, तो ये चीज़ समझ गया 10x। अब देखो ना x का वैल्यू क्या दिख रहा है, x का वैल्यू -π/4, -π/4 मतलब -45°, लेकिन पहले लिखने का कैसे लिखोगे बोलो बताओ। हाँ द प्रिंसिपल, अबे देख बारिश के सीज़न में ना मार्कर वगैरह चलता नहीं है, जो डिजिटल बोर्ड वाले रहते कितना अच्छा लगता है ना उनको। द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ किसका सर, अगर 10 inverse of x के बारे में बात कर रहे हो, इज क्या होता है बोल बच्चा, 10 inverse of x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है, -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90 के बीच में -π/2, -90 और 90 को इंक्लूड नहीं करना। देयरफॉर x जो मिला है अपने को, x जो मिला है वो क्या मिला, -π/4। अभी देखते हैं यहाँ पर इसका मतलब आंसर सही है या गलत है। देख मतलब बच्चा मैं औकात क्या, -90 से 90 के बीच में इसको लेना नहीं है, इसको लेना नहीं, इसके बीच में आना चाहिए, अपने को मिला है -π/4 मतलब -45°, -45° इधर कहीं आने वाला है, अरे समझ पा रहे हो, मतलब यस चलेगा ये आंसर, तो ऐसा लिख के देने का क्या लिखोगे, वेयर -π/4 जो है ना -π/2 और π/2 के बीच में है, इधर इक्वल टू तो बाय डिफॉल्ट नहीं लगाना है, प्रीवियस वाले में मैंने ऑप्शन दिया था लगाओ या मत लगाओ, लेकिन इधर तो लगाना ही नहीं है क्योंकि इसके इक्वल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है। तो आंसर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फाइनल आंसर लिख के हटाओ, द प्रिंसिपल, अरे समझ गए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका बच्चा, देख 10 inverse of -1 इज क्या लिखोगे, -π/4। देखो अब स्पीड बढ़ गया अपना, अब स्पीड बढ़ गया है, समझ पा रहे हो, ऐसे ही करना, मतलब यही सब डेटा लगने वाला है, यही सब, अगर कुछ अगड़म दिगड़म आया तो ये पार्ट संभालेगा, अगर कुछ अगड़म दिगड़म आया तो ये पार्ट संभालेगा, माइनस वाले के लिए ये पार्ट संभालेगा, और ये तो सब में यूज होगा, समझ पा रहे हो। देखो ये टेबल तो बचपन का प्यार है, बराबर बच्चा, यहाँ पर अगर इसके अलावा कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स आया तो ये संभाल लेगा, और माइनस वाले पार्ट में ये सब बंदे लोग बैठे हुए अपने पास, समझ पा रहे हो, -sin θ को ये लिखना, अभी देखो धीरे धीरे दिखेगा, टेंशन मत लेना, फिलहाल के लिए ये समझ गया सबको, -π/4 समझा, ये थर्ड वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डन बच्चा, ग्रेट। अब फोर्थ वाला क्या लिखा है, 10 inverse of -√3, 10 inverse of -√3, चलो हटाओ, फोर्थ वाला क्या है, अरे सेम तो है सर, -√3,
चलो बच्चा देखो, टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री। सर एक्सपीरियंस के साथ बताओ क्या, रूट थ्री का क्या है? पाई बाय थ्री। माइनस रूट थ्री का माइनस पाई बाय थ्री। माइनस पाई बाय थ्री मतलब माइनस 60 डिग्री। समझ पा रहे हो? देखो कितना आराम से हो जाएगा, ये रूट थ्री हो गया, ये क्या आ जाएगा? रूट थ्री। टेबल से लेके दो, टेबल से लेके दो, रूट थ्री का वैल्यू टेबल से क्या आएगा? पाई बाय थ्री। कंपेयर कर नहीं सकते तो अब क्या करोगे? माइनस पाई बाय थ्री। समझ पा रहे हो? देखो कितना, सर आपके जैसा मेरे को भी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। पाई बाय थ्री। अरे देख खत्म खत्म, देख रहे हो कितने प्यार मोहब्बत से सॉल्व कर रहा हूँ कितना आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा माइनस देखो, इसकी औकात क्या है? माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए, और मेरा जो आंसर आ रहा है ना माइनस पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री। माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री इधर आता है, समझ पा रहे हो? इधर माइनस 100, इधर 100 200, समझ पा रहे? माइनस 60 मतलब औकात के अंदर ही है। समझ पा रहे हो ये चीज़? अभी धीरे धीरे देखो, पांचवा तो हद से ज़्यादा ईजी है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सम रहेगा तो मज़ा आएगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा सम लेता हूँ। कॉट इनवर्स, चलो कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ पर, चलो ये एक एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कॉट इनवर्स लिख दिया, क्या लिख दिया? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/√3, माइनस 1/√3। चलो अच्छा, यहाँ पर रेडी एवरीवन? माइनस 1/√3। चलो बोलो क्या आएगा? माइनस 1/√3। तो अब क्या करेंगे? माइनस 1/√3 ना तो रूट थ्री देखता हूँ, माइनस रूट थ्री लिखता हूँ। चलो थोड़ा अपने तरफ से इक्वेशन बना लिया, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर चीज़ें समझो, ये जो दिख रहा है हाँ इसमें टेबल में नहीं है, तो हम लोग बात करेंगे, इसको बुलाएंगे, भाई तू संभाल ले थोड़ा, अगड़म तिगड़म आया तो तू संभाल ले। तो ये बोलेगा कॉट इनवर्स ऑफ, बोलो क्या आएगा? माइनस रूट थ्री इज सेम एज क्या आता है? सेम एज मतलब क्या आएगा? कॉट इनवर्स का डायरेक्टली क्या लिखने का बच्चा? टेन इनवर्स, बरोबर है। और अंदर वाले माल का रेसिप्रोकल करने का। अच्छा माइनस का माइनस ही होता है, रेसिप्रोकल सिर्फ नंबर का होता है, माइनस का नहीं होता। रूट थ्री का मतलब क्या होगा? 1/√3। बोलो ये समझ गया सबको? हाँ है ना? तो हम लोग का अभी मेन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो ये दिया था लेकिन सेम एज लिखा, मतलब ये और ये सेम है, तो हम लोग को ये सॉल्व करने नहीं जम रहा है, वी विल सॉल्व दिस वन। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? तो ऐसा है ना, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लाओ अपने अंदर, तो हम लोग सेम अप्रोच यूज करेंगे। बच्चा देख क्या करोगे, लेट जो भी क्वेश्चन दिया है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√3 को क्या लिखोगे? बोलो एक्स लिखोगे, याद क्लियर हो गया? ये टेन इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस 1/√3 इज इक्वल टू टेन एक्स, मतलब हम लोग लिखेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? टेन एक्स इज इक्वल टू वोट, ये उस साइड जाएगा माइनस 1/√3। अब तुम लोग को जो बताया था, इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा? टेबल से टेबल देखो वहाँ पर, टेबल से 1/√3 क्या होता है? 1/√3 मतलब पाई बाय सिक्स। तो क्या लिखोगे? टेन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? टेन, अच्छा ये माइनस का माइनस, टेन पाई बाय सिक्स। लेकिन ऐसा कंपेयर नहीं हो सकता, ये माइनस का जुगाड़ करना पड़ेगा। माइनस के लिए अपने पास एक और फॉर्मूला है, माइनस टेन थीटा को टेन ऑफ माइनस थीटा, मतलब माइनस टेन ऑफ माइनस थीटा। अरे समझ पा रहे हो ये चीज़? और ये टेन एक्स, फिर से ये लाइन लिखने का, और यहाँ पर अभी आ गया एक्स का वैल्यू क्या गया? पाई बाय सिक्स। और यहाँ पर क्या गया? पाई बाय सिक्स माइनस में। और समझ पा रहे हो? और लिखोगे ए प्लीज़, क्वेश्चन चेंज नहीं करना, क्वेश्चन मेन तो वही लिखोगे, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री इज माइनस पाई बाय सिक्स। बच्चे ये समझ पा रहे हो तुम लोग क्या आएगा? समझ पा रहे हो कैसा करना है कैसा नहीं करना है? और धीरे धीरे बात करेंगे, अभी तक मैंने कॉस इनवर्स का बात नहीं किया, लेकिन बहुत ही आसान लग रहा है बच्चा। मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी बच्चे को तकलीफ होने वाला है, यहाँ पर अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर समझ पा रहे हो? थोड़ा मोटा चेंजेस करके काम खत्म करने का। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो इसको हटा देते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनल आंसर वही लिखना। देख रहे हो? समझ पा रहे हो? मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स ही आता है अपने को। इसके अलावा अगर कुछ आया तो इसको बुलाने का, और माइनस वाला आया तो इसको बुलाने का। अगर माइनस वाला नहीं रहेगा तो इसको बुलाने का ही नहीं। जैसे कुछ सेकंड वाला कोसेक इनवर्स ऑफ रूट टू, समझ पा रहे हो? चलो इसको भी रफ कर देते, चलो हटा दे। अच्छा है सर, पूरा मिटाओ ना। क्या आप भी कंजूसी पना करते हो? अरे मेरे मिटाने से क्या होगा मालूम है? थोड़ा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, तुम लोग का पहले एक ही बाहर आ जाता है इतना बड़ा बड़ा वीडियो देख के, लेकिन कंटेंट तो कोई देखता ही नहीं है अपना। अपना कंटेंट भी तो देखो बच्चा। अच्छा ये पाँचों वाला जो दिया है ना, पाँचों वाला मुझे लगता है कि रेस साला हक दिया इसने। यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ वॉट क्या आएगा? 1/√2। ए इसको सॉल्व कर लो रे, सॉल्व करो भाग आला, सभी सॉल्व करते बैठू क्या? समझ पा रहे हो ये चीज़? हाँ है ना, किसी को दिक्कत है? चलो एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, एक्स्ट्रा लिखता हूँ, और इसके ज़रिए ये भी सॉल्व हो जाएगा। एक्स्ट्रा में
ये सॉल्व तो नहीं हुआ ना अपना। अरे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ना, सेम हो गया, इसको लिए एक्स्ट्रा दे के अपना टाइम का कोटी नहीं करने का। सॉल्व, समझ पा रहे हो, होमवर्क ले लो। नाउ सिक्स वाला क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, हाँ ये आएगा मजा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। पहले देखो इसका क्या ओरली आंसर दे पा रहे हम लोग, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 π/3 1/2 का, अच्छा माइनस आ गया तो माइनस π/3, ऐसा अपन तुक्का मार रहे बच्चा, फंस गया तू। कॉस इनवर्स का जो रेंज है ना प्रिंसिपल वैल्यू, वो 0 से π है, और तू आंसर माइनस π/3 बोल रहा है, इसका मतलब समझ पा रहे हो इसकी औकात क्या है, 0 से π मतलब 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए, और तेरा आंसर क्या आ रहा है, माइनस 60 डिग्री। ये देख इसका औकात ये है, इतना पार्ट है, और तेरा आंसर बाहर आ रहा है, तो हर बार तुक्का मारना सही नहीं रहेगा। चीज़ें समझ पा रहे हो, धीरे धीरे समझो, क्लियर हो गया ये चीज़, नहीं भी समझे तो कोई गम नहीं, पैटर्न फॉलो करो, देखो अपने आप आएगा। तो क्या करने का सर, सबसे पहले तो तुम लोग को यही करने का है, सॉल्यूशन में नाम के लिए लिखने का, लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 को क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, ये कॉस इनवर्स उससे जाएगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स, मतलब माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस एक्स, डैट इज करके लिखने का, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, देयरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, सेम देखो, सबसे पहले एग्जाम में जाके ना ये टेबल बनाने का, समझ पा रहे हो, अगर ये टेबल नहीं बनाया तो एग्जाम अगले साल वापस टेबल बनाना पड़ेगा 12वीं में। यहाँ पर 1/2 टेबल से, या भी दिमाग में छाप लो, टेबल से कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस 1/2 कब आता है, 1/2 कॉस π/3, ये तो बाजू में इसलिए फटाफट हो रहा है, कॉस π/3 बराबर है। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर कॉस एक्स इज इक्वल टू, अभी जैसे कॉस माइनस π/3, देखो बच्चा ये देख अलर्ट हो जाना, यहाँ पर अलर्ट हो जा, डोंट थिंक माइनस कॉस थीटा को ऐसा कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, ये याद रखना, समझ पा रहे हो ये चीज़, तो ये गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इधर लिखने का, माइनस कॉस थीटा को हम लोग कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, देखो माइनस कॉस थीटा नहीं जम रहा तो अपने अपने मेन फेवरेट एक्ट्रेस को ले लो, जैसे मेरे को बहुत अच्छी लगती है कैटरीना, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस कॉस कैटरीना को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस कैटरीना, तो कॉस पाई माइनस कैटरीना। अरे समझ पा रहे हो सर, ये माइनस कहाँ गया, अरे पगलेट तेरे को माइनस कॉस थीटा का डायरेक्टली बोल रहा है, इसके जगह पे तू ये लिख सकता है, तो अब मत पूछ माइनस कहाँ गया, क्योंकि ये और ये सेम है, ये लिख देगा तो माइनस का बाहर मगजमारी नहीं होता है, तो माइनस कॉस कैटरीना को कॉस पाई माइनस कैटरीना लिख सकता है। बोलिए क्लियर हो गया, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है 3π, देखो ये नहीं आता तो ऐसा सीखने का, इधर कुछ नहीं मतलब वन, पहले ऐसा मल्टीप्लाई पाई इंटू 3 माइनस पाई इसका अपॉन वर्ड 3, तो ये क्या है 2π/3, तो लिखने का 2π/3, समझा बच्चा, यस और नो। अब थोड़ा डायलॉग लिखने का, मालूम है आंसर आ गया, इधर इसको रफ मत करो सर, एक ही चीज़ तो आता है उसको भी आप रफ कर रहे हो, कॉस पाई माइनस थीटा, बराबर बच्चा ये चीज़ हाँ है ना। अब बोलो क्या लिखोगे, एक्स की जगह पे मिल गया 2π/3, समझ पा रहे हो, लेकिन हाँ एक्स की जगह पे 2π/3 देखो सही है ये गलत है, एक बार एक्टिंग तो करो, कॉस की औकात क्या होती है, 0 से 180 डिग्री, बराबर है ये चीज़, कॉस की आंसर मतलब जो आंसर आना चाहिए, देखो इसको तुम लोग एक्स बोल रहे हो और हम लोग जो आंसर निकालते हैं ना वो एक्स का ही निकालते हैं, समझ पा रहे हो, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो, एक्स तो कुछ और है, अरे बच्चा इसको ही हम लोग ने एक्स बोला है, जो निकाल रहे हो ना एक्स निकालना है, इसको निकालो या इसको निकालो, हम लोग एक्स निकाल रहे मतलब यही निकाल रहे हैं, समझ पा रहे हो ये चीज़। नाउ 2π/3 मतलब अगर रेडियन में ना डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई लिखते हैं, पाई मर गया, 3 1 3 6 0 मतलब 120 डिग्री, क्या 120 डिग्री इसमें आता, हाँ यहीं कहीं पर आएगा, मतलब तुम्हारा आंसर सही है, समझ पा रहे हो ये चीज़। तो अब लिखने का द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लिखो या प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, ब्रांच वैल्यू ऑफ किसका, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, मैंने एक्स लिखा, ये एक्स और ये एक्स को मैक्स मत करो, मैंने एक्स लिखा, तुम लोग को अगर नहीं जमता तो कॉस इनवर्स ऑफ के लिखो, कॉस इनवर्स ऑफ वाई लिखो, समझ पा रहे हो, ये पैटर्न है, इसलिए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज क्या लिखते हम लोग, बोलो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज व्हाट, क्या लिखा है, 0 से π, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू 2π/3, बराबर है, वेयर जो आंसर आ रहा है ना वो बराबर उसके बीच में ही है, किसके बीच में, 0 से π के बीच में, इक्वल टू डालना रहेगा तो डालो, इधर तो ऑप्शनल होता है, वहाँ पर टेन में कंपलसरी नहीं लगाना रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल है, तो ये आंसर आ गया। लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखोगे बताओ, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बोलो क्या आएगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है यहाँ पर, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज क्या लिखोगे, 2π/3,
समझा बच्चा? डाउट है, चल ठीक है, डाउट है, डाउट है, मान लेते डाउट है, मान लेते डाउट है। इसको कॉपी तो कर, कर लिया आंसर, ओके ग्रेट। चलो एक क्वेश्चन और बना देते, कॉस का माइनस हाफ था ना, माइनस वन बाय रूट टू, एक्स्ट्रा लिख देते, एक्स्ट्रा लिख देते, अभी मेरे को लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा चेंजेस करूँगा। वन बाय रूट टू, तो यहाँ पर कहेगा वन बाय रूट टू, यहाँ पर कहेगा वन बाय रूट टू। अच्छा इसका बताओ, टेबल से वन बाय रूट टू मतलब पाई बाय फोर आ जाएगा, समझ पा रहे हो? और यहाँ पर कहेगा माइनस कॉस मियाँ खलीफा, सर चेंज कर देता हूँ, कैटरीना बोले मियाँ खलीफा आ गए, अरे हो जाता है कभी कभी, चेंज हो सकता है कभी कभी, मूड पे डिपेंड रहता है। माइनस कॉस, चले यहाँ पर आ, चल माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो गया पाई बाय फोर, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पाई माइनस पाई बाय फोर, यहाँ पर वन, फोर पाई माइनस पाई अपॉन फोर, आंसर क्या थ्री पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर, अरे समझ पा रहे हो, थ्री पाई बाय फोर, और यहाँ पर इसका होगा, चलो थ्री पाई बाय फोर, समझ पा रहे हो? कॉस इनवर्स ऑफ क्या आएगा, माइनस वन अपॉन रूट टू इज थ्री पाई बाय फोर, समझ पा रहे हो? इज थ्री पाई बाय फोर। देखो ऐसा सॉल्व करना है तब तो ये इजी है सर, इतना भी टफ नहीं लग रहा जितना हम लोग सोचते हैं, समझ पा रहे हो? तो ऐसे बेसिक्स पे, इस बेसिस पे तुम लोग को जो लगता है उतना सम सॉल्व कर दो, टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल होगा उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो, समझ पा रहे? नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो तुम्हारे पास है ही, नहीं मिला रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, मिल जाएगा। चलो हम लोग है ना एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया है बरोबर है, छः ही समय इसमें, तो होपिंग कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता रहेगा, जितना मेरा मेहनत है जितना तुम लोग के लिए मैं कर रहा हूँ वो मोर देन इनफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई एक रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल से अगर अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, समझ पा रहे? अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। लॉगिंग आउट।